मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मास्क इफेक्ट पहला, फिर पैट इन्फेक्शन। पहले नोट कर ले जो लिखा हुआ है बोर्ड पे। पहले डेफिनेशन है मास्क इफेक्ट की, डिफरेंस बिटवीन रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ द रेस्ट मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड मास्क इफेक्ट, इज कॉल्ड मास इफेक्ट। ठीक है जी। अब ये मास इफेक्ट क्या होता है पहले हम बात करते हैं। न्यूक्लियॉन्स पता है जी सभी को, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या होते हैं जी? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हमारे न्यूक्लियस में। ठीक है जी। जो न्यूक्लियस के अंदर है उनको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स। उनको क्या बोला जाता है जी? न्यूक्लियॉन्स। अब बात करते हैं अगर एक्स जेड ए है, क्या है जी हमारा कोई एलिमेंट है उसका नाम क्या है? जेड एक्स ए। जेड क्या है जी? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे? ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। ठीक है जी। तो अब बोलता क्या है कि जो एक प्रोटॉन का मास है एमपी, जेड इंटू एमपी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन शुड बी ग्रेटर देन द मास ऑफ द न्यूक्लियस। मास ऑफ द न्यूक्लियस कैपिटल एम बोल दिया जी इसको, कैपिटल एम एन एन। ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूएंट कौन थे जी? प्रोटोन था और न्यूट्रॉन था। रेस्ट मास, सम ऑफ द रेस्ट मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन मास ऑफ द न्यूक्लियस, मास ऑफ द न्यूक्लियस। पहली बात तो ये बतानी चाहिए कि सम ऑफ द रेस्ट मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मास ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है जी। तो मास डिफेक्ट क्या होगा जी? जैसा कि डेफिनेशन है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन, इसको क्या बोलते हैं जी? मास इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं जी? मास इफेक्ट। ठीक है जी। तो ये फार्मूला है मास इफेक्ट का, हम नोट कर सकते हैं। और पैकिंग फ्रैक्शन पहले समझ लें, इट इज डिफाइंड एज मास इफेक्ट पर न्यूक्लियर। ठीक है जी। तो फार्मूला क्या बनेगा? डेल्टा एम अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। ठीक है जी। डेल्टा एम अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कौन है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन क्या आते हैं? ए। ठीक है जी।